राजधानी पटना में आए दिन छात्रों का प्रदर्शन जारी है। आपको बता दूं कि बीते दिनों बेल्टॉन के छात्र भी अपने ज्वाइनिंग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, और उसके अगर पहले की बात कर ले तो विधानसभा चुनाव के पहले भी छात्र का जो प्रदर्शन था वो लगातार जारी था, चाहे वो दरोगा कैंडिडेट हो या फिर एसएससी के छात्र। इन तमाम छात्रों का जो प्रदर्शन है वो राजधानी पटना के सड़कों पे देखने को मिलता था, और वहीं आज की बात कर ले तो आज भी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के छात्र काफी तादाद में पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी को घेरते हुए नजर आए और सीधे तौर पे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आपको बता दूं ये मैटर उनके एग्जाम को लेकर था, जिस तरीके से उनका कहना था कि हमने 1.5 लाख फीस भी जमा किया है लेकिन हमारा एग्जाम नहीं लिया जा रहा है, हम तमाम प्रक्रिया से गुजरे हैं लेकिन एग्जाम नहीं लिया जा रहा। हमने इसको लेकर राज्यपाल से भी आवेदन किया था, राज्यपाल ने कुलपति को भी ये आदेश दिया था कि जल्द से जल्द छात्रों का एग्जाम लिया जाए, उसके बाद भी कुलपति ने किसी भी तरीके का कोई निर्णय नहीं लिया, छात्रों को एग्जाम नहीं देने दिया। उसके बाद छात्रों के द्वारा प्रदर्शन जारी रहा और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी को छात्रों ने घेर लिया। जब हमने छात्रों से बात किया तो छात्र क्या कह रहे हैं ये पहले सुन लेते हैं। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के 2018-20 के 700 विद्यार्थियों को परीक्षा से वंचित कर दिया गया। मसला जब राजभवन पहुंचा, राजभवन ने एक पत्र जारी किया, राजभवन ने कहा कि 384 विद्यार्थियों की परीक्षाएं अविलंब आपको लेनी चाहिए। 28 जनवरी 2020 को यह पत्र विश्वविद्यालय का आता है। राज्यपाल का आदेश के बावजूद भी कुलपति लगातार इनकार कर रहे हैं एग्जाम लेने से, जबकि राज्यपाल महोदय से हम लोग की 2 राउंड मुलाकात हुई है और राज्यपाल महोदय ने कुलपति महोदय को भी विश्वविद्यालय व राजभवन में बुलाकर बातचीत किया है। एक कमेटी उच्च स्तरीय कमेटी बनाई थी, उच्च स्तरीय कमेटी में भी छात्रों के प्रतिनिधि और कुलपति और विश्वविद्यालय के अधिकारी और राजभवन के तमाम पदाधिकारियों के साथ मीटिंग हुई, उसके बाद यह आदेश जारी हुआ। लेकिन बावजूद भी कुलपति लगातार इनकार कर रहे हैं एग्जाम लेने से, वह टाल बटोल कर रहे हैं। फोन पर बातचीत में वह कहते हैं कि एग्जाम हम लेने हम जा रहे हैं, लेकिन बावजूद भी कुलपति एक तरफ कहते हैं कि एग्जाम लेने जा रहे हैं, दूसरे तरफ फॉर्म भराने की प्रक्रिया चल रही है अगले सत्र का। हमारा साफ तौर पर कहना है कि 6 दिसंबर से जो फॉर्म भरा रहा है उसमें इन विद्यार्थियों को भी इंक्लूड करते हुए परीक्षा लेनी चाहिए, इनका फॉर्म भराना चाहिए। इन विद्यार्थियों ने 1.5 लाख रुपया और 2 साल की पढ़ाई पूरी की है, हर प्रक्रिया को पूरा किया है, और किसी भी सूरत में अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो हम आंदोलन और उग्र करेंगे और तेज करेंगे। आज कुलपति कई दिनों से बाद आए हुए हैं, हमारा कहना है कुलपति बात क्यों नहीं करते हैं, कुलपति बात करें, बातचीत करके इस गतिरोध को हटाएं, और इसी बात को लेकर हम आंदोलन कर रहे हैं। मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या? अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन पूरे राज्य के अंदर फिर से एक बार आंदोलन इस बीएड विद्यार्थियों के सवालों पर करेगा, और इसकी पूरी जिम्मेदारी, अगर राज्य की विधि व्यवस्था अगर गड़बड़ होती है तो पूरी जिम्मेदारी राज्य की सरकार और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलपति पर। तो आपने सुना, सीधे तौर पे छात्रों का कहना था कि हमारे जो राज्यपाल है उनसे हमारी बात हो गई थी, हमने तमाम जो अपनी समस्या वो बताई, इवन हमने जो फीस है वो भी भर दिया, 1.5 लाख के आसपास फीस था वो भी भर दिया, तमाम जो प्रोसेस है वो भी हमने दे दिया, लेकिन फिर भी कुलपति ने हमें एग्ज़ाम नहीं देने दिया, और अगर हमारा एग्ज़ाम जल्द से जल्द नहीं होता तो इससे भी बड़ा आंदोलन करने के लिए हम सज्ज हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स HSBR आपको देते रहेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।